बड़ी खबर लखनऊ से है। थोड़ी देर में सीएम योगी की अहम बैठक होने वाली है। भारत बंद को लेकर होगी ये बड़ी बैठक। सभी जिलों के डीएम एसएसपी मौजूद रहेंगे शांति व्यवस्था बनाए रखने के को लेकर। दरअसल ये बैठक भारत बंद मामले के मद्देनजर आज 7:30 बजे फील्ड के अफसर्स, ऑफिसर्स, वरिष्ठ अधिकारी और इन सभी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कल भारत बंद का जो ऐलान किया है कि किसान संगठनों ने, जिनका समर्थन अब मुख्तलिफ राजनीतिक दल भी कर रहे हैं, उससे पहले की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपसे कुछ देर में नरेंद्र यादव हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। नरेंद्र, ये बताइए कि किन किन के साथ जुड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और क्या कुछ निर्देश कल के लिए दिए जा सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी देर में एक अहम बैठक करने जा रहे हैं जिसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी एसएसपी शामिल होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी मौजूद होंगे और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तमाम मौजूद रहेंगे। डीजीपी भी उनके साथ मौजूद होंगे, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक में, और बीसी के जरिए सभी जिलों के जिलाधिकारी और एसपी जुड़ेंगे। इस मामले को लेकर जिस तरीके से आज देखा गया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर सड़कें जाम की और प्रदर्शन किया, इसी के मद्देनजर आज एक बड़ी बैठक, अहम बैठक कही जा सकती है मुख्यमंत्री की, कि उत्तर प्रदेश में जब भारत बंद का ऐलान हो, किसान कहीं पर सड़कों को न जाम कर सके, राजनीतिक दल जो इकट्ठा हो रहे सभी, ये कहीं पे कानून व्यवस्था के लिए कड़ी चुनौती ना पेश कर सके, इन सारी चीजों को लेकर के एक समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस मौके पर सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को सीएम की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दिए जाएंगे और उनके निर्देश के बाद कल सड़कों पर दिखाई पड़ेगी पूरी फोर्स। पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से अलर्ट पर रखा जाएगा कि कहीं कानून व्यवस्था के लिए समस्या ना हो, हाईवे ना जाम होने पाए, कहीं पे आगजनी ना होने पाए, तोड़ फोड़ ना होने पाए, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन है, इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने भारत बंद को सपोर्ट किया है। कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अभी बैठक में कड़ा निर्देश जारी करेंगे। जी जी। और नरेंद्र, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, वेस्टर्न यूपी की अगर बात की जाए, जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका भी है और यहाँ पर जाटलैंड जहां कहा जाता है और किसान संगठन यहाँ पर ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। इसके अलावा अगर इंटरनल यूपी की बात की जाए या पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, वहां पर किसान किस तरीके से खुद को लामबंद कर रहे हैं कल के लिए? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, जैसे आपने कहा कि उधर काफी संख्या में लोग जो है आंदोलन में पहले से जुड़े हुए हैं, वहां पर उग्र प्रदर्शन हो सकता है। साथ ही जब राजनीतिक दलों ने इसे एक मुद्दा बनाया, राजनीतिक दल इसके सपोर्ट में आए हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा जाएगा, किसान कहां कहां से निकल रहे हैं, सभी एलआई को और जांच एजेंसियों को भी इसमें लगाया गया है कि कहीं कोई षड्यंत्र न होने पाए। जैसे कि पिछले दिनों इस बात की आशंका व्यक्त की गई थी कि किसानों के आंदोलन में बाहरी तत्व अपना कोई हिस्सा ना रोल ना निभा पाए, कहीं पर उपद्रव ना हो पाए, इन सारी चीजों को लेकर प्रदेश सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, उच्च अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात कल होती है कि कितनी संख्या में लोग सड़कों पर आते हैं, किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, भारत बंद का आह्वान किया गया है। तो इस मामले को लेकर पूरी एक समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और निश्चित तौर पर जो जिलों से फीडबैक आएगा, जिलाधिकारियों से एसएसपी से बात करेंगे, साथ ही उनके साथ वो बैठक में उनके साथ आवास पर मौजूद होंगे बड़े अधिकारी। नरेंद्र, उनसे भी बात, कुछ ऐसे जिले भी चिन्हित किए गए हैं जो ज्यादा संवेदनशील हैं, जहां पर किसानों का आक्रोश या उनका आंदोलन जो है ज्यादा नजर आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, पश्चिम के जिलों को चुना गया है, जो दिल्ली के आसपास राजधानी से जुड़े हुए जिले हैं, वहां पर बड़ी संख्या में जिस तरीके से हाईवे पर जाम लगाया गया था, ज्यादा संख्या में किसान पहुंच रहे थे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद जैसे जिले, सहारनपुर, मथुरा, मेरठ, ये सारे जिले हैं जहां पर किसान बड़ी संख्या में पहले आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं, और कल भारत बंद के दौरान ज्यादा संख्या में किसान निकल सकते हैं। जो रिपोर्टें आ रही हैं वो ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर प्रशासन का ज्यादा फोकस रहेगा। जी, और यहाँ पर बहुत कुछ एहतियातन और बहुत कुछ संवेदनशीलता भी बरतनी पड़ेगी पूरे पुलिस प्रशासन को, क्योंकि किसान से जुड़ा हुआ यह आंदोलन है, किसान का बुलाया हुआ भारत बंद है,
तो उस तरीके से तैयारी प्रशासन को करनी होगी, कितना तैयार नजर आती है, क्योंकि डिफरेंशिएट भी करना होगा कौन से पॉलिटिकल कार्यकर्ता है और कौन से किसान है उस बीच। बिल्कुल कहा जा सकता है कि कल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सभी राजनीतिक दल और किसान बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर सकते हैं, भारत बंद का आह्वान किया गया है, तो विपक्षी दल इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। और जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी की तरफ से भारत जो है आंदोलन किया गया, पदयात्राएं की गई, जगह जगह पर गिरफ्तारियां की गई, और बीएसपी की तरफ से भी किसानों का सपोर्ट किया गया है, तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरा प्रदेश में जो विपक्षी दल हैं किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि जो राजनीतिक दल हैं इनको चिन्हित करना, क्योंकि इनके नेतृत्व में ज्यादा संख्या में लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, जाम लगा सकते हैं, ये चुनौती है। दूसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को संभालना एक चुनौती होगी, क्योंकि उनके ऊपर लाठीचार्ज करने से भी बचना है, कहीं पे कानून व्यवस्था ज्यादा न बिगड़ने पाए, इसको भी संभालना है। प्रदेश सरकार चाहती है कि किसानों के ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करनी पड़े, आराम से व्यवस्थित तरीके से इसको कंट्रोल में किया जाए। तो दो चुनौतियां होगी कि एक तो किसानों के ऊपर बल प्रयोग न किया जाए, दूसरे कानून व्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती होगी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चाहते हैं कि किसानों के से बात की जाए, उनकी बातें सुनी जाए, उनकी बातें केंद्र सरकार को पहुंचाई जाए, उनकी यही मंशा है और इस बात को व्यक्त भी कर चुके हैं। तो हो सकता है कि कल कुछ किसानों से सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे भी बात करें, किसान संगठनों से और साथ में प्रशासन भी इस मामले पर। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र यादव इस पूरी जानकारी के लिए आपका।